नमो अभियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौरसाहुं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूपस्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। दिव्य ध्वनि के सार रूप भगवान कुंदकुंदाचार्य देव के द्वारा रचित महान परमागम प्रवचन सार गाथा 79-80 पर पूज्य गुरुदेव श्री का महामंगलमय प्रवचन अपन लोगों ने सुना है, और जो अभी इसमें विषय चल रहा है वो अत्यंत प्रयोजनभूत विषय है। आत्मा के हित का विषय है, यानी अपने हित का विषय है ना। तो उस विषय को, क्योंकि अभी अपन 79 गाथा पर जो कल चर्चा चल रही थी अपनी, गुरुदेव श्री का जो कल भी प्रवचन चला था, आज भी चला है, तो उस विषय में जहां तक हम कल आ गए थे गुरुदेव के प्रवचन के आधार पर, उससे आगे अपन आज विषय को लेते हैं। देखो, प्रकरण आया है मोह की सेना को जीतने की बात आई है, है ना। और आचार्य देव ने ये कहा कि हमने तो मोह की सेना को जीतने के लिए कमर कसी है। तो उसके पहले जो 79 गाथा में जो विषय आया, विषय इतना गंभीर आया कि सर्व सावध्य योग को छोड़ करके चारित्र अंगीकार किया है। मुनिराज ने अपनी बात की ना, माने कौन कह रहे हैं मोह की सेना को जीतने का उपाय विचारने की बात है ना। तो मुनिराज ने अपने से बात उठाई कि सर्व सावध्य योग को छोड़ करके मैंने चारित्र अंगीकार किया, और यदि अब मैं इस शुभोपयोग की परिणति के प्रेम में फंस गया, तो वो ध्यान देना, शुभोपयोग की उपादेयता तो बची नहीं है वहां पर, राग की उपादेयता तो बची नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत राग का कण शेष है, कहते यदि इसमें भी मैं फंस गया और इसका भी मैंने उन्मूलन नहीं किया तो मैं शुद्धात्मा को प्राप्त नहीं करूंगा, नहीं कर पाऊंगा, मैंने पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। और यदि पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या होगा, तो महादुख संकट निकट है। ये चर्चा आई थी ना कल, देखो तो इसी चर्चा को मैं आगे बढ़ा करके फिर 80 गाथा पे आएंगे अपन लोग, है ना। देखो यहां पर जो कल विषय चला था गुरुदेव श्री का भी चला था, पेज नंबर आप इसमें अभी निकालो, पहले 364 पेज निकालिए, पेज नंबर हिंदी में 364। देखो टीका देखो, पहले थोड़ी सी टीका देखो इसकी, ये आया था यहां तक कि जो जीव समस्त सावध्य योग के प्रत्याख्यान स्वरूप परम सामयिक नामक चारित्र की प्रतिज्ञा अंगीकार करके भी, इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिज्ञा काय की हुई थी, परम सामायिक नामक चारित्र की प्रतिज्ञा हुई थी। और कल मैंने इसमें अपनी चर्चा हुई थी तब ये बात कही थी कि मुनि दशा में जो प्रतिज्ञा होती है वो शुद्धोपयोग की परम सामायिक नामक चारित्र की प्रतिज्ञा होती है। 28 मूल गुणादि भूमिका में भले ही आ जावें, लेकिन उनकी प्रतिज्ञा नहीं होती। और उसके पीछे हेतु क्या दिया था, याद रहा कि नहीं, हाँ? क्या हेतु दिया था, तो प्रतिज्ञा ऊंचा चढ़ने के लिए की जाती है, गिरने की प्रतिज्ञा नहीं की जाती है, और ये गिरने पर परिणाम आते हैं, ये चर्चा हुई थी।
फिर उसमें उन्होंने क्या दिया कि प्रतिज्ञा पूर्ण प्रतिज्ञा करके भी धूर्त अभिसारिका, जिसके लिए नायिका की भांति शुभोपयोग परिणति से अभिसार माने मिलन को प्राप्त होता हुआ। क्या मतलब कि शुभोपयोग परिणति के साथ अगर हमें मिलन को प्राप्त हुआ, मुनिराज है ना, तो मुनिराज में तो शुभोपयोग बचा है, तो वो कहते हैं कि ये कैसी है शुभोपयोग परिणति, तो उन्होंने कहा कि धूर्त अभिसारिका जैसी है। और धूर्त अभिसारिका का खुलासा किया कि संकेत अनुसार प्रेमी से मिलने जाने वाली स्त्री। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो राग का परिणाम वर्त रहा है, मुनिराज कहते हैं कि हमारी भूमिका में भी जो राग का परिणाम वर्त रहा है ये धूर्त अभिसारिका है। क्या मतलब कि ये जो प्रशस्त राग का भी वर्तन है कि ये मोह कर्म के उदय के संकेत अनुसार है। क्या मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि उतनी आत्मस्वरूप में एकाग्रता की कमी है। सम्यक ज्ञानी है, सम्यक चारित्र वाला मान है, इसलिए ये तो नहीं कह सकते कि मिथ्या दृष्टि का तो सवाल नहीं है। यहां पे चारित्र मोह की बात चल रही है, तो जो चारित्र मोह में भी जो रागादि हुए उनकी भूमिका के योगी जो राग है, तो वो राग है वो किसके उदय का अनुसरण करके पैदा हुआ परिणाम है, चारित्र मोह के उदय का अनुसार अनुसरण करके होने वाला परिणाम है। जैसे वो धूर्त अभिसारिका संकेत के अनुसार प्रेमी से मिलने जाने वाली स्त्री, इसी तरह ये कैसा परिणाम कि मोह कर्म का उदय का अनुसरण किया, मतलब उतने स्वभाव के अनुसरण से चूके हैं, उतनी अस्थिरता बाकी है। यदि स्वरूप में पूर्ण स्थिरता होती तो पूर्ण वितरागता होती, और यदि स्वरूप की दृष्टि ज्ञान और अनुभूति नहीं होती तो मिथ्या दृष्टि होता। न तो ये मिथ्या दृष्टि है और न स्वरूप की पूर्णता है, क्योंकि अगर स्वरूप की पूर्णता होती तो यह कहने की जरूरत क्यों होती कि मैंने मोह की सेना को जीतने के लिए कमर कसी है ना। और अगर स्वरूप की दृष्टि ज्ञान अनुभूति ही नहीं होती तो यह कहने की आवश्यकता नहीं थी कि सर्व सावध्य योग का त्याग करके चारित्र अंगीकार किया होने पर भी, लिखा ना परम सामायिक नामक चारित्र की प्रतिज्ञा करके भी, जो गुरुदेव श्री ने कल जय धवला का रेफरेंस दिया था कि ये राग में आए, प्रशस्त राग में आए, मुनिराज को अप्रशस्त राग तो होता नहीं, तो ये भी मेरी प्रतिज्ञा में भंग हुआ। तो ये प्रतिज्ञा में भंग हुआ ये गुरुदेव ने कहां से निकाला कि ये लिया ना कि शुद्ध ये सावध योग के प्रत्याख्यान स्वरूप परम सामायिक नामक चारित्र की प्रतिज्ञा अंगीकार करके, प्रतिज्ञा तो ये ली थी हमने। और हम आगे विकल्प की भूमिका में, तो आचार्य गुरुदेव श्री ने उस जय धवला का रेफरेंस देकर के बात कही थी कि आचार्य देव ने कहा कि हमारी प्रतिज्ञा का भंग हुआ, और इसलिए फिर क्या करते हैं कि वापस वापस उस प्रतिज्ञा का आरोहण करते हैं, वापस उसमें कहते हैं। आगे ना ये हो गया था, इसके बाद देखो एक बहुत बढ़िया बात लिया, अर्थात शुभोपयोग परिणति के प्रेम में फंसता हुआ। ये प्रेम कौन सा है, एकत्व बुद्धि वाला प्रेम नहीं है, समझ आ गया ना, ये अस्थिरता जन्य विकल्प है। शुभोपयोग परिणति का उतना भाग अभी बाकी है, और जितना शुभ देखो शुभोपयोग परिणति में एकत्व बुद्धि पड़ी हो तो कसाई कुछ घटी है ये भी नहीं कहेंगे, क्योंकि मिथ्या तो बैठा हुआ है, वहां कौन से कसाई के घटने की बात करोगे, तो है ना। तो यहां पर देखिए प्रेम में फंसा होने पर भी फंसता हुआ मोह की सेना के वशवर्तन पने को दूर नहीं करता। ये कहा मोह की सेना के वशवर्तन माने ये जो राग का परिणमन हुआ मुनिराज को भी, ज्ञानी धर्मात्मा को भी,
राग का जो परिणमन हुआ तो वहां कहते हैं उतना मैं मोह की सेना का वशवर्तन पना है मेरे। समझ में आ गया? माने उतना मैंने कर्म के उदय का अनुसरण किया है, उतना मैं आत्मा के अनुसरण से चूका हूं। आया? अभी मैं सिद्ध चक्र विधान का भी एक रेफरेंस दूंगा। अभी हुआ था ना आपके यहां सिद्ध चक्र विधान, है ना? तो अभी ये देखना कि स्वाहा स्वाहा में टाइम गया था कि कुछ उसमें से सीखा भी अपन ने, ये अपने को नक्की करना। अभी बताऊंगा मैं, देखो अभी हाँ ये मोह की सेना का ही बताऊंगा, अभी चिंता नहीं करो। तो क्या कहा कि मोह की सेना के वशवर्तन पने को दूर नहीं कर डालता, जिसके महादुख संकट निकट है। तो अगर मैंने ये मोह की सेना को समूलतया नष्ट नहीं किया, महादुख संकट निकट है। कौन सा दुख संकट है महाराज? नरक में निगोद में हैं? अरे तुम नरक निगोद की बात करते हो, स्वर्ग में और वो भी वैमानिक में और वो भी लंबी आयु के लिए महादुख संकट निकट है हमारे। चौथे गुणस्थान में आ जाएंगे, खूब चर्चा इसकी कल हो गई थी, है ना? दूर नहीं कर डालता जिसके महादुख संकट निकट है, ऐसा वह शुद्ध आत्मा को कैसे प्राप्त कर सकता है? शुद्ध आत्मा को कैसे प्राप्त कर सकता है? मैंने यहां शुद्ध आत्मा को प्राप्त करने का मतलब पूर्णता को प्राप्त करने की बात है। तीन कसाई चौकड़ी के अभाव की शुद्धि तो है, मुनिराज हैं तो, है ना? तीसरे नंबर के कलश में लिया ना समय सार में, तो मम परम विशुद्धि, यानी इसका मतलब क्या कि मुनि दशा के योग्य शुद्ध भाव तो है लेकिन परम विशुद्धि चाहिए। क्योंकि अगर ये परम विशुद्धि को प्राप्त नहीं हुए, पूर्णता को प्राप्त नहीं हुए, तो भाई साहब ये यहां से मर करके निश्चित रूप से स्वर्ग जाना पड़ेगा और अनंत काल तक, बहुत लंबे काल तक, असंख्य अरबों वर्ष भी हो सकता है वो काल, होता ही है बल्कि, है ना? कि उतने काल तक असंयम की ज्वाला में झुलसना पड़ेगा। बोलो, विचार करो कितनी कितनी तकलीफ लगती है इस राग की भूमिका में, कि जिस राग को दुनिया धर्म मनाने में तुली हुई है। मुनिराज कहते हैं कि भैया ये स्थिति है हमारी, है ना? ये बात आई थी, और इसलिए मैंने मोह की सेना पर विजय प्राप्त करने के लिए कमर कसी है, है ना? अब देखो इसमें मैं अभी आपको सिद्ध चक्र विधान का एक रेफरेंस बता देता हूं, इसलिए बता देता हूं कि देखो कहां तक मोह नृपति के उपकरण किसे कहा। ध्यान गया होगा कि नहीं गया होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन आपको बताता हूं जरा। देखो सिद्ध चक्र विधान है ना, तो सिद्ध चक्र विधान की पहली जयमाला है। और पहली जयमाला क्यों है कि इसमें आठ अर्घ चढ़ते हैं, और इस पहली जयमाला में इतनी गंभीर चर्चा की है कवि संत लाल ने कि पूरी सम्यक दर्शन से लेकर पूर्णता तक की विधि इस पहली जयमाला में बता दी। मैंने इस पे बहुत सोचा, मैंने कहा इतनी गहरी चर्चा पहले ही दिन क्यों कर दी उनने? अरे पहले दिन तो जमती है दुकान है? तो पहले ही दिन इतनी गंभीर चर्चा क्यों कर दी? फिर बाद में सोचा तो विचार आया कि नहीं पहले दिन आठ अर्घ हैं, मतलब हमारे पास टाइम बहुत है। समझ में आया कि नहीं है? इसलिए पहले दिन खूब गंभीर चर्चा कर दी। क्यों? क्योंकि बाद में तो सुपर फास्ट ट्रेन चलने वाली है। तो देखो इसमें देखना, जय करण कृपाण सुप्रथम बार मिथ्या सुभट की नो प्रहार। पहली बार प्रथम करण कृपाण सुप्रथम बार, करण कृपाण माने करण लब्धि, करण लब्धि के लिए इसी 80 नंबर की गाथा के अंदर जो जयसेनाचार्य देव की टीका है, इसी जयसेनाचार्य की टीका जो 80 नंबर की गाथा की प्रवचन सार की है, इसमें सविकल्प परिणाम को क्या कहा? सविकल्प, मैंने स्वविकल्प स्व संवेदन कहा उसे।
क्या कहा? सविकल्प स्व संवेदन। कौन सा परिणाम? कि जो करण लब्धि में, करण लब्धि में आने का मतलब क्या कि इस परिणाम का व्यय करके नियम से निर्विकल्प स्व संवेदन में आके समय दर्शन प्राप्त करेगा। करण लब्धि के बाद तो नियम है ना, है करण लब्धि के बाद तो समय दर्शन का नियम है। तो उन्होंने कहा करण लब्धि के परिणाम को सविकल्प स्व संवेदन, माने करण लब्धि में दूसरों का विकल्प नहीं रहता, एकमात्र स्वरूप का विचार रहता है। और वो विचार भी ऐसा रहता है कि जिस विचार में विचार की मुख्यता नहीं रहती, स्वभाव की मुख्यता हो जाती है और तुरंत वो निर्विकल्प स्व संवेदन में कन्वर्ट हो जाता है, वो समय दर्शन हो जाता है, मोह की सेना विजय कर ली जाती है। वो तो चर्चा जब हम 80 गाथा की चर्चा करेंगे तब अपन गुरुदेव श्री का प्रवचन और अमृतचंद्र आचार्य की टीका के आधार पर गुरुदेव श्री ने प्रवचन किया और साथ में हम जय सेनाचार्य की टीका भी साथ में रखेंगे, आपको लगेगा कि जिनवाणी में जो लोगों को यह भ्रम है कि चौथे गुणस्थान में शुद्धोपयोग नहीं होता, आत्मा की अनुभूति नहीं होती और बिना आत्मा की अनुभूति के ही मोह की सेना विजय हो जाती है, वो भ्रम टूटेगा। तो देखो जय, ये हो गया मिथ्या तो सुवट कीनो प्रहार, दृढ़ कोटि विपर्यय मति उलंघि पायो समकित थिर थल थिर अभंग। ये सब हुआ, फिर लिखो निज पर विवेक। क्या क्या होता, क्या है समय दर्शन में होता, क्या है, क्या करना है कि निज पर विवेक अंतर पुनीत आत्म रुचिवरती राजनीति। आत्मा की रुचि ये राजनीति है। अभी राजनीति को तो राजनीति शब्द इतना बदनाम हो गया बेचारा। अरे चैतन्य राजा की नीति, उसका नाम राजनीति। और वो राजनीति क्या है कि राजनीति ये कि तू जो जो अपन जो स्व है उसको स्व मान ले, जो पर है उसको पर मान ले, है ना। पर में पर को अपने में मत मिला, अपने को पर में मत मिला। देखो जग विभव विभाव, जग विभव एक, विभाव दो शब्द। जग विभव विभाव असार एह स्वातम सुख रस विपरीत देह। आत्मा के स्वरूप से, आत्मा के सुख रस से विपरीत। उसके बाद देखो तीन नाशन लीनो दृढ़ समार शुद्ध प्रयोग चित चरण सार। ये क्या आया बोलो अभी, कि उस मिथ्यात्व के नाश के लिए शुद्धोपयोग चित चरण सार आया। शुद्धोपयोग हुआ, अरे गाथा में मत पढ़ो, गुरुदेव के प्रवचनों में भी मत पढ़ो, तो पूजा ही पढ़ लो ढंग से, ये कह रहे हैं हम। पूजा में भी वही बात, क्यों? क्योंकि भाई साहब सारे ज्ञानी एक ही स्वर पुकारेंगे, है ना। उसके बाद देखना निरे ग्रंथ कठिन मारग अनूप हिंसा दिकारण सुभग रूप। ये सब लिया, इसके बाद देखना द्वय बीस, ये सब लिया इसके बाद मुझे जो बताना है आपको, देखना लखी मोह शत्रु। अभी अपनी क्या चर्चा चल रही है, मोह की सेना को जीतने की बात। यहां पे क्या कह रहे हैं, लखी मोह शत्रु पर चंड जोर, कि मोह शत्रु का प्रचंड जोर लग करके क्या किया हमने, कि लखी मोह शत्रु पर चंड जोर तीन हनन सुकल दल ध्यान जोर। समय दर्शन तो पहले प्राप्त कर लिया था, अब सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद भी अभी मोह शत्रु का प्रचंड जोर है। अब चारित्र मोह, मोह शत्रु कौन सा बचा, कि चारित्र मोह, कि उसके नाश के लिए हमने शुक्ल ध्यान को जोड़ा। आनंद वीर तन ही छाय छायक श्रेणी आरंभ थाय। सातवें गुणस्थान से आगे बढ़ गए। अब फिर क्या हुआ, अभी जो बताना है उसमें धरती हिलेगी इसलिए बता रहा हूं मैं, देखना कि बारम गुण थानक ताही नास तेरम पायो निज पद प्रकाश। कि बारहवें गुणस्थान में
मोह शत्रु का सर्वता नाश कर दिया और 13वां गुणस्थान प्राप्त कर लिया। अब तो चैन से बैठ जाए। अभी देखो, नव केवल लब्धि विराजमान दे दीप्यमान सोहे सुभान। केवल लब्धि से विराजमान है। अब क्या हुआ कि देखो, तिस मोह दुष्ट आज्ञा एकांत थी कुमति स्वरूप अनेक भांति जिन वाणी करिता को विहंड करिष्याद वाद आज्ञा प्रचंड। कि जब केवल ज्ञान हुआ तो क्या हुआ कि मोह की जो एकांत मत की आज्ञा चलती थी, उस मोह का एकांत मत का निषेध करने के लिए दिव्य ध्वनि के माध्यम से जिनवाणी का प्रवर्तन किया। और आगे देखना, अभी क्या कहना है उनको देखना, वो देखना कि बरतायो जग में सुमति रूप भविजन पायो आनंद अनूप। अब क्या हुआ कि थे मोहन्द्रपति दुख करण शेष चारों अघातिया विधि विशेष। कि 13वें गुणस्थान में आ गए, केवल ज्ञान हो गया, दिव्य ध्वनि की वर्षा हो रही है कि महाराज अब तो शांति से बैठो। तो कह रहे हैं कि भाई साहब मोह राजा का तो नाश कर दिया, लेकिन अभी मोह राजा के उपकरण शेष बचे हैं। क्या कहा, क्या कहा कि कौन से उपकरण शेष बचे कि ए समोसरण, ये दिव्य ध्वनि का प्रवर्तन करना काय का उपकरण है जरा बताना मुझे, काय का उपकरण है? तीर्थंकर प्रकृति बांधी थी ना, किससे बांधी थी? प्रशस्त राग के फल स्वरूप तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था और उस तीर्थंकर प्रकृति के उदय में समोसरण की रचना हुई। 13वें गुणस्थान में दिव्य ध्वनि हुई। आचार्य कहते हैं हम ये सब भी मोह नृपति के ही उपकरण है। माने जिसको देखकर मोह की याद आवे, क्या कहा, क्या कहा, जिसको देख करके मोह की याद आवे वो सब मोह के उपकरण थे। तो क्या कहा कि थे मोह नृपति उप दुख करण शेष चारों अगाति विधि विशेष। फिर क्या कहा कि हे नृपति सनातन रीति ये है। कि जो राजा लोग होते हैं ना, तो उन राजा लोगों की ये रीति होती क्या कि अरि विमुख न राखे नाम ते है, कि अपने शत्रु का नाम भी अपने सामने नहीं रखते, नाम निशान, कि जिस चीज को देख करके उसकी याद आवे। इराक का युद्ध हुआ था और अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को मार दिया था। अब सद्दाम हुसैन को मारने के बाद तो चैन से लौट जाती सेना। तो उनने क्या कहा कि जिस जिस चीज को देख करके सद्दाम हुसैन की याद आवे उस चीज को भी उड़ा दो। ये है भाई साहब कि मिथ्यात्व को मारा, चारित्र मोह को मारा, कि ये तो हुआ सद्दाम हुसैन की मौत, कि बाकी, कि बाकी उस जिन चीजों को देख करके उसकी याद आवे कि उसको भी। ये भाई साहब ये बातें पूजा में लिखी है, मैं आपको ये बता रहा हूं खाली। गुरुदेव श्री ने जो तत्व दिया उनके प्रवचनों के माध्यम से तो अपन लोग सुनते ही हैं, लेकिन अगर पूजाओं के माध्यम से भी अगर अपन देखेंगे, प्राचीन कवियों की जो पूजा है, अभी भी जो वर्तमान में भी कुछ बनी है पूजाएं, है ना, तो आप देखो ये सब बातें उसमें लिखी। अब ये बोलो मोहन द्रपति के उपकरण क्या है? तो ये बात आई। अब अपनी बात जो कल चली थी गुरुदेव श्री के प्रवचन में, यहां तक अपन लोग आ गए थे, जय धवला वाला हो गया था। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, पेज नंबर अभी लो आप, 2366 नंबर का पेज निकालो, इसमें नीचे तीसरे 366 पेज पे है कि शुभ राग को उन्मूलन माने निकंदन करने के लिए कटिबद्ध होता है। इसका मतलब क्या है कि जिसके पास, कल ये बात आई थी,
कि जिसके पास जिस प्रकार का मोह हो वो उसके नाश के लिए कटिबद्ध हो जाए। बहन श्री के वचना मत में एक बोल आया कि आप जिस भूमिका में हैं उस भूमिका से आगे की भूमिका का पुरुषार्थ चालू रहे तो वर्तमान भूमिका को कोई खतरा नहीं है। सम्यक दर्शन हुआ पंचम गुण स्थान के पुरुषार्थ प्रारंभ, पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक है मुनि दशा के पुरुषार्थ, मुनि दशा का पुरुषार्थ प्रारंभ, मुनि दशा का पुरुषार्थ, सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ, श्रेणी का पुरुषार्थ, कोई भी साधक दशा की किसी भी भूमिका का पुरुषार्थ वो आत्मा की शुद्धोपयोग दशा के बिना नहीं होता। आत्मा की शुद्धोपयोग दशा का नाम सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ है। चौथे गुणस्थान से पांचवा गुणस्थान आएगा कभी भी विकल्प की भूमिका में नहीं आएगा, शुद्धोपयोग में गुणस्थान बढ़ेगा। अरे पांचवें से सातवां गुणस्थान आएगा, छठा तो आता नहीं है, छठा तो सातवें से गिरते हैं तब आता है, तो पांचवें से अगर सातवां गुणस्थान किसी को आएगा तो शुद्धोपयोग में आएगा, और सातवें गुणस्थान से आगे के गुणस्थान में जब जाएंगे तो शुद्धोपयोग से ही जाएंगे। यानी कहने का मतलब क्या कि धर्म यदि कोई है, मोह को मारने का उपाय यदि कोई है, मोह के अभाव का उपाय यदि कोई है तो एकमात्र शुद्धोपयोग है ना। तो ये कहा। अब मुनिराज के पास क्या है कि मुनिराज के पास अशुभ राग नहीं है, मिथ्यात्व तो होने का सवाल ही नहीं है ना, मुनिराज के पास शुभ राग है। तो कहते वो जो उनके पास है वो उनका उन्मूलन कर रहे हैं, अपने पास क्या है कि अपने पास मान लो मिथ्यात्व है तो हमें मिथ्यात्व को जीतने के लिए कमर कसनी पड़ेगी, मुनिराज को चारित्र मोह को जीतने के लिए कमर कसनी पड़ेगी। जिसके पास जो है, क्यों, क्योंकि भाई साहब चाहे मिथ्यात्व हो वो भी आत्मा का बेरी है, चाहे अशुभ राग हो वो भी आत्मा का बेरी है, चाहे शुभ राग हो वो भी आत्मा का बेरी है। अरे जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो वो भाव भी आत्मा का मित्र नहीं है। क्यों, क्योंकि मित्र होता तो बांधता नहीं, मित्र उसे नहीं कहते जो हमारे को बांध दे। समझ में आ गया नहीं, गुरुदेव तो बोलते थे ना जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो वो भाव भी धर्म नहीं है, और धर्म से कभी बंध होता नहीं है, और जिस भाव से बंध हो वो भाव कभी धर्म होता नहीं है। बोलो, बोलते थे कि नहीं बोलते थे, है ना। वो यहां पे कह रहे हैं निकंदन करने को कटिबद्ध होता है। अब यहां अज्ञानी कहता है कि शुभ राग है वह शुद्धता का कारण है। बोलो ना, ऐसी तुम्हारी भूमिका होनी चाहिए, इसके बिना नहीं होगा। ये मैंने भूमिका के नाम पर भी शुभ भाव को स्थापित करने की बात ये जिन शासन के विरुद्ध है। अरे पात्रता, पात्रता के नाम पर हम क्या करते हैं, ऐसी पात्रता तैयार करो तो तुमको सम्य दर्शन हो जाएगा, ऐसी पात्रता तैयार करो तो तुमको सम्य दर्शन हो जाएगा। भाई साहब सम्यक दर्शन की एक पात्रता है और वो पात्रता है आत्मा की तीव्रतम रुचि। आत्मा की तीव्रतम रुचि होगी तो सम्य दर्शन हो जाएगा, वरना तुम कितनी पात्रता बनाए रहना पात्र खाली का खाली रहेगा। पात्रता ऐसे नहीं बनती, बना बना करके पात्रता नहीं बनती, लेकिन आत्मा की रुचि में सहज पात्रता बन जाती है। शेर की पर्याय में सम्य दर्शन हुआ महावीर भगवान के जीव को, पशु की पर्याय में हुआ, नरक गति के जीव को सम्य दर्शन हुआ। जब सम्यक दर्शन चारों गति में हो सकता है तो बताओ फिर सम्य दर्शन की पात्रता का चारों गति के लिए क्या स्वरूप होगा। कि तुम जिसको बताओगे कि ये पात्रता है तो मैंने कहा इसके बिना भी लोगों को सम्य दर्शन हुआ है और इसके होने पर भी नहीं हुआ है। आई बात समझ में, क्या कहा, इसके हुए बिना भी हुआ है और इसके होने पर भी नहीं हुआ है, इससे यह सिद्ध हो गया कि यह सम्य दर्शन की पात्रता नहीं है। लेकिन एक बात पक्की कि आत्म स्वभाव की तीव्रतम रुचि के बिना किसी को सम्य दर्शन नहीं हुआ है, और आत्म स्वभाव की तीव्रतम रुचि लगे और सम्य दर्शन ना हुआ हो ऐसा चारों गति में से एक उदाहरण ढूंढ के लाओ, इससे सिद्ध हुआ कि आत्मा की तीव्रतम रुचि वो सम्य दर्शन की प्रथम पात्रता है। आई बात सोने, उसके बिना सब छल है, कुछ नहीं है।
देखो यहां पे कहा भाई शुद्धता का कारण है ऐसा मानता है ना। फिर एक दिगंबर के बड़े विद्वान, नाम तो लिया था गुरुदेव ने, अपन नाम नहीं लेना चाहिए, अमृतचंद्र आचार्य की आलोचना की है, उसमें यह डाला है कि अरे प्रभु ऐसा कैसे होता है, यह व्रत और यह प्रतिमा है यह सब शुभ भाव है और वह शुद्धता का कारण है ऐसा मानते हैं लोग। और देखो एक चीज समझना कि जीव को करने का रस बहुत है, कुछ करने का काम दे दो इसको, कुछ करो है। और जैन दर्शन ये कहता है, अभी भाई जी बोल रहे थे, चेतन भाई जी बोल रहे थे ना, कल बोला था आज बोला था कि कुछ नहीं करने का नाम पुरुषार्थ है। अब ये बात जीव को किसे कैसे समझ में आवे जिसे जिसने कुछ करना ही अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझ रखा है, कुछ करो। तो वो जो करने का रस है ना, वो जीव को ये बात सुने कि भाई आत्मा की प्राप्ति के लिए मोह का नाश करने के लिए तुझे कुछ करना ही नहीं है, मान जिसे तू करना मानता है वैसा कुछ नहीं करना है। सहज स्वभाव की सहज स्वीकृति, बस ये मोह के नाश का एकमात्र उपाय है। अब ये जीव को समझ में नहीं आती, अरे साहब कुछ बताओ तो सही, कुछ साधन वाधन बताओ। वो आया था प्रश्न भी आया था, इसी प्रवचन में प्रश्न आया था कि सिमत जी ने कहा है कि निश्चय लाखी लक्ष्मा साधन तजवा नॉय, निश्चय को लक्ष्य में रख करके साधन छोड़ना नहीं। तो गुरुदेव ने बहुत सरल, भाई वो व्यवहार की बातें हैं, सब बातें हैं व्यवहार की बातें, ऐसा करके उनने उसका समाधान किया है ना। तो सोचो जरा कि उसका फिर क्या लिखा, क्या करते हैं यहां पे कि सर्व आरंभ से यानी सर्व उद्यम से, यह है पुरुषार्थ। सर्व उद्यम से एक ही बात, एकमात्र आत्मा की आराधना। आत्म स्वभाव तो है ना, सर्व उद्यम से उसको निकंदन करने के लिए मैं तैयार हुआ हूं। आचार्य कहते मैं तो तैयार हो गया, तुम तैयार हुए कि नहीं ये बताओ है? फिर क्या कह रहे हैं, इसे रखकर मुझे कोई लाभ होगा, किसे रखकर, कि पंच महाव्रत आदि की शुभ क्रिया, भगवान के स्मरण मंत्र 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 ओम मंत्र पंच परमेश्वरी का मंत्र, ऐसे विकल्प से मुझे लाभ होगा यह बात तो है नहीं। तो वो तो बहुत गई परद्रव्य में, परंतु उस विकल्प का निकंदन करने के लिए मैं तैयार हुआ हूं। लाभ होगा विकल्प से, अरे जिसने विकल्प से लाभ माना उसने विकल्प रहित प्रभु को अनादर किया। क्यों? क्या आत्मा का स्वभाव विकल्प जैसा है? आत्मा तो राग से पार तत्व है, आत्मा तो विकल्प से पार तत्व, निर्विकल्प स्वरूप तत्व है। वस्तु की व्यवस्था कैसी है, आत्मा की व्यवस्था कैसी है? नियम सार में कहते हैं कि तू पर के विकल्प की बात करता है या अपने द्रव्य गुण पर्याय के विकल्प में पड़ा है तो अन्यवश है। बोलो कि साहब सविकल्प से निर्विकल्प भी तो कहा है, प्रश्न बहुत खड़े होते अपने को, सविकल्प से निर्विकल्प भी तो कहा है कि जिस कि जो निर्विकल्प हो गया उसके विकल्प को भूत निगम ने से उससे ऐसा हुआ ऐसा बोलने में आता है ना। और विकल्प भी विकल्प करता रहे, मैं आत्मा का विकल्प करता हूं विकल्प से निर्विकल्प, अरे विकल्प से निर्विकल्प तो आएगी जाति अलग है, विकल्प की जाति अलग है, निर्विकल्पता की जाति अलग है, एक पूर्व में जाता है एक पश्चिम में जाता है। देखो जिनागम के शब्दों का मर्म समझना पड़ेगा, शब्द पकड़ने से काम नहीं चलेगा। हम क्या करते हैं, शास्त्र में लिखा ना सविकल्प से निर्विकल्प, मैंने कहा शास्त्र में, मैंने कहा अच्छा बताओ कोई आदमी एक बहुत बढ़िया सूटकेस लेके आया, मैंने कितने में लाए, 500 रुपए में। तो रुपए में सूटकेस लाए या रुपए दे के सूटकेस लाए बताओ जरा, है कि 500 रुपए में लाए
तो रुपए में लाए, तुम तो हाथ में लाए, रुपए में कहां लाए हो? सूटकेस तुम्हारे हाथ में है कि रुपए में है, बताना जरा। वहां हम समझ जाते हैं कि 500 रुपए में, इसका मतलब क्या कि 500 रुपए हमारी जेब से गए तो सूटकेस आया। ये बोलते कि नहीं बोलते? इसी तरह विकल्प से निर्विकल्प होता है, इसका मतलब क्या कि विकल्प का अभाव होकर निर्विकल्पता हुई, इसका नाम विकल्प से निर्विकल्प होने का मतलब है। वहां शब्द पकड़ लेते हैं, तो हम क्या करते हैं कि विकल्प से निर्विकल्प होते हैं, तो अब निर्विकल्प होने के लिए विकल्प करने लगे। क्या करने लगे? निर्विकल्प होने का विकल्प करने लगे। मुझे निर्विकल्प अनुभूति करना है, मुझे निर्विकल्प अनुभूति करना है, मुझे निर्विकल्प, मुझे विकल्प नहीं चाहिए। तो पहले तो विकल्प चल रहे थे और अब मुझे इन विकल्पों का अभाव करना है, मुझे विकल्प नहीं चाहिए। तो विकल्प मिटाने का विकल्प किया करता है, या क्या करता है, है? यहां क्या कह रहे हैं गुरुदेव, क्या कह रहे हैं यहां पे कि यह बात तो नहीं है मैं, परंतु उस विकल्प का निकंदन करने के लिए मैं तैयार हुआ हूं। आहा, जगत को कठिन पड़ती है, मूल तत्व की वस्तु की खबर नहीं होती, मूल तत्व की ओर झुकाव की कैसी दशा होती है कि जिससे तत्व की प्राप्ति होती है इसका भी पता नहीं होता है। मूल तत्व का पता नहीं, मूल तत्व की झुकाव की दशा कैसी होती है कुछ पता नहीं। अंधी दौड़ में चल रहे हैं अपन लोग, सोचना जरा, हैं? हाँ, अब देखो कि मुनिराज स्वयं अपने सिर पर डालकर कहते हैं कि मैं सर्व आरंभ से, अर्थात मुझ में जितनी पुरुषार्थ की ताकत है उस ताकत को बचाऊंगा नहीं, सारी ताकत इसमें झोंक दूंगा। ये कह रहे हैं कि उस पुरुषार्थ से शुभ राग का निकंदन करने के लिए मैंने कमर कसी है। मुनिराज ने शुभ राग का निकंदन करने के लिए कमर कसी, क्यों? उनके पास है ही शुभ राग, मिथ्या तो अशुभ राग है कहां? अपने पास तो कितनी जिम्मेदारी हो गई अपनी, तो हैं? आ गया, आहा हा, ये कमर पट्टा नहीं मानते लोग, ये गुरुदेव ने उदाहरण दिया। फिर उसके बाद ये 79 नंबर की गाथा की बात करके आचार्य भगवान ने जो बात कही उसको गुरुदेव श्री ने स्पष्ट किया, और लास्ट में देखो 368 नंबर के पेज में आचार्य भगवान ने कहा, दो मिनट में पूरा करते हैं, कि आचार्य पुकार करते हैं, ये बोल्ड अंश लिया और इसमें देखो फिर लास्ट में क्या लिखा कि जैसे प्रेमी को प्रेमिका स्त्री मिलने जाती है ऐसे अंदर यह शुभोपयोग होता है। शुभोपयोग की तुलना किससे की आप जरा सोचो, मुनिराज के शुभोपयोग की। तो जहां मिथ्या तो सहित शुभोपयोग और अशुभोपयोग भी विद्यमान हो उसकी तुलना किससे करना चाहिए वो तो आप और हम खुद सोच लें भाई साहब। हम क्या इसमें से उल्टा अर्थ निकालते हैं, अरे वो तो मुनिराज की बात है। तो मैंने कहा भाई साहब जब मुनिराज का शुभोपयोग की भी ये स्थिति है तो तुम्हारा और हमारा उससे बढ़िया क्वालिटी का होता है क्या है? बताओ जरा कि तुम्हारा हमारा शुभोपयोग जिसको हम बोलते हैं सच में तो मिथ्या दर्शन है तो शुभोपयोग है ही कहां, है ना? मिथ्यात्व से बड़ा अशुभ कोई नहीं है, और इसलिए जब तक मिथ्यात्व नहीं गया, नौवें ग्रेवक तक जाने के मंद कसाय का परिणाम कर ले, जिनवाणी उसे शुभोपयोग नहीं मानती। मतलब क्या कि मैं अशुभ से तो बचा, कि अशुभ से बचने का उपचार भी जब मिथ्यात्व जाएगा तब लागू पड़ेगा। क्यों भाई साहब? क्योंकि ये बताओ कि मिथ्यात्व से बड़ा कोई अशुभ है संसार में? तो जिसने मिथ्यात्व नहीं छोड़ा और वो कहते मैंने कसाई की तीव्रता कम कर दी, मैं कसाई की मंदता, देखो मेरा शुभोपयोग, देखो मेरा शुभोपयोग। मैं इसके लिए एक उदाहरण देता हूं कि एक आदमी पानी छान करके नियत समय में उबाल करके प्रासुक करके पीता है,
लेकिन 5-10 दिन में मदिरा की दुकान पर जाकर, समझ गए? अब बोलो जेनी का कितना लक्षण मान रहे हो तुम उसमें, ये बताओ। पानी ऐसा पीता है, बस इतनी आदत खराब है कि महीने में 2-4 बार, है ना, कलाल की दुकान पर जाकर के ड्रिंक करी आता है। तो अभी बोलो जेनी के कितने लक्षण मानोगे, पानी छान करके पीता है। अपना अपना लक्षण है ना, बाहर का लक्षण मानते हैं ना हम। तो भाई साहब, पानी छान के पीना अच्छी बात हो सकती है, लेकिन उसके पहले मदिरा का त्याग होना पड़ता है। अगर मदिरा का त्याग नहीं है और तुम कहते हो कि मैं पानी छान करके पीता हूं, तो हम लोक में कहते हैं तेरे जैसे ढोंगी हमने बहुत देखे। नहीं कहेंगे उसको, नहीं कहेंगे कि तेरे जैसे ढोंगी हमने बहुत देखे। इसी तरह आचार्य कहते हैं कि मिथ्यात्व की मदिरा का जिसने त्याग नहीं किया, और कदाचित शुभ अशुभ भाव का त्याग करके कसाई की मंदता में 9वें ग्रेवक तक जाने का परिणाम करे, तो भी जिनवाणी कहते तुम्हारे जैसे ढोंगी हमने बहुत देखे। क्या कह रहे क्यों कि क्रम क्या है पहले यह बताओ, पहले शराब छूटेगी या पहले अनछना पानी छूटेगा? छूटना तो दोनों ही, लेकिन अगर शराब नहीं छूटे और अनछना पानी छोड़ दे तो भी उसे अनछने पानी का त्यागी नहीं कहते। त्यागी कहोगे उसे, अनछने पानी का त्याग है जी इनके। हाँ हम जानते हैं, कल हमने वहां देखा था इनको ठेके पे। बोलो किसकी हंसी कराएगा? वो अनछना वो छना पानी पीकर के भी अगर मदिरा पीता है तो उस छने पानी की बेइज्जती कराएगा वो। नहीं आया समझ में? छने पानी की बेइज्जती कराएगा वो। सोचना भैया, ये जैन दर्शन है, पोपा भाई का राज नहीं है, कुछ भी चला लो मनमर्जी। हाँ बहुत ताकत चाहिए, सोचो जरा क्या है। हमने ऐसा किया, हमने ऐसा, अरे मिथ्या तो गया कि नहीं गया पहले ये बता, कि नहीं गया, कि नहीं गया तो बहुत देखे तुम्हारे जैसे बहुत है, आते हैं वहां से और जितने ऊपर से गिरते हैं उतने हाथ पैर ज्यादा जल्दी टूटते हैं। आई बात समझ में? इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं देखो, उन्होंने अपने से बात उठाई है, अपने से बात उठा करके वो ये कहना चाहते हैं कि जब हमारे पास इतना सा मोह का अंश है और वो भी चारित्र मोह का है और वो भी नियम से गलता हुआ है, जब हम उसको जीतने के लिए भी कमर कस के तैयार हो रहे हैं, तो हे जगत के जीवो, इस मिथ्यात्व का नाश करने के लिए, इस मोह के सरदार को जीतने के लिए तुम्हें कमर कस के तैयार होना पड़ेगा। और अगर तुमने कमर कस ली है तो आचार्य कहते हैं उसका उपाय भी हम तुम्हें बताएंगे। किसको बताएंगे? लेकिन जिसने कमर कसी है उसको, जिसने अभी कमर नहीं कसी, जिसको अभी नहीं और भी कुछ चाहिए, तो कह पहले घूमिया, सब देखिया पहले जगत में, और जब थक जाए और कहीं कुछ नहीं मिले तब आ जाना। हे जीव, तने जगत में क्या ही गम तू न हो तो आत्मा मा घमार। आया कि नहीं है ये बात? आई है, बस ये हो गया। देखो कि अर्थात फिर लास्ट में गुरुदेव ने ये कहा, देखो लास्ट में गुरुदेव ने क्या कहा कि कमर पट्टी बांधी है, राग का नाश करने के लिए मैंने कमर कसी है कि जिससे मुझे मुक्ति होती है। मुक्ति से नीचे की तो बात ही नहीं है। और अगर जिनने इस तरह कमर कसी है तो फिर उनको मोह की सेना के नाश के उपाय के रूप में इस 80 गाथा का अवतरण हुआ। ये 80 गाथा ज्ञान प्रधान शैली से सम्यक दर्शन की प्राप्ति की विधि बताती है। देखो विधि वही है, त्रिकाली द्रव्य पर ही जाना पड़ेगा। समय सार सुन करके त्रिकाली द्रव्य की दृष्टि करो, चाहे प्रवचन सार सुन 80 गाथा सुन करके दृष्टि करो, कथन शैली का भेद है, प्रयोग पद्धति एक ही जैसी है। यह ज्ञान प्रधान शैली से बात की है, वहां श्रद्धा प्रधान शैली से बात की है।
फर्क इतना है ना। और वो गाथा है जो जान दी अरंतम दवत गुणत पज्जय तेहिम सो जान दी अपानम मोह खलु जादि तस्स लयम। और अपन कोशिश करेंगे कि इस शिविर के दौरान आचार्य अमरचंद्र देव की टीका, पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन और इसके साथ ही अपन आवश्यकता अनुसार इसमें जय सेनाचार्य देव की टीका का भी प्रयोग करेंगे। और इस गाथा के मर्म को जो गुरुदेव श्री ने अपने को समझाया, मैं गुरुदेव श्री के और भी इस गाथा के प्रवचन आपको देकर के जाऊंगा, पुराने प्रवचन भी हैं वो भी आप पढ़ना, बहुत लाजवाब प्रवचन है, बहुत लाजवाब गाथा है, बहुत समझने जैसा विषय है ना, तो अद्भुत विषय है, गुरुदेव ने खुद ने भी बोला था, तो बहुत शानदार विषय इसमें आएगा, तो वो चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में करें।